से बनी है। हम आपको बताते हैं ये पेंटिंग बनी है गेहूं के इस डंठल से। जी हाँ, बहराइच में ODOP के तहत गेहूं की डंठल से बने पेंटिंग को आज पूरे देश में जाना जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ पिछले 4 सालों में, सरकार ने जब से ODOP में इस पेंटिंग को शामिल किया है, तब से बहराइच में सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो इस काम में जुटी हुई हैं और लगातार इस पेंटिंग के जरिए अपनी प्रतिभा को, अपनी हुनर को लोगों तक पहुंचा रही हैं। बहराइच में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो आज इस पेंटिंग को अपने घरों में कर रही हैं, और संसाधन इसमें बहुत अधिक नहीं लगने हैं क्योंकि गेहूं के जो डंठल हैं वो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ट्रेनिंग की थोड़ी सी जरूरत होती है और इस ट्रेनिंग को कराने के लिए एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, जो जितने भी आदिवासी महिलाएं हैं, इसके अलावा जितने भी शहर की महिलाएं हैं जो इस काम में जुड़ना चाहती हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मास्टर ट्रेनर है जो इस काम को पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। सर, नाम बताइए अपना। रहते हैं। यूर साहब, आपने जब ये शुरुआत की थी तब इसको लेकर के लोगों के मन में किस तरह की चीजें थी, और अब जब से ODOP में शामिल हुआ है कितना सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के महिलाओं को कैसे आप जोड़ रहे हैं? तो पहले हम ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग जो है होती रहती थी भारत सरकार से या यूपी सरकार से जो है। फिर इसकी मतलब स्टेट अवार्ड जो है हमको मिल चुका था, सेंटर मिलता था। फिर बाद में जो है ये ODOP में 18 में इसको जो है शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने जो है इस पर और भी मेहनत करना शुरू किया है। इन लोगों से, महिलाओं से बताया जो है कि देखो ये सरकार ने जो है मतलब आ गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है जो है, तो आप लोग और काम आगे बढ़ाइए और काम करिए जो है, इससे जो है आपको लाभ मिलेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा जो है, जो भी काम भी करेंगी जो है नाम भी होगा जो है और देश भी जाएगा जो है। तो इसी तरह हम लोगों ने जो है मतलब काम को बढ़ाया है, और बढ़ाने के बाद जो है हमारे योगी सरकार ने जो है मतलब योगी गवर्नमेंट ने जो है मतलब इसको सेलेक्ट किया है। कुछ महिलाएं जो है मतलब पहले से सीखी हुई थी, कुछ और अलग से नई ट्रेनिंग जो आती है उसमें सीखती हैं जो है। हमारे सरकार ने जो है मतलब इस पे 2,000 रुपया 10 दिन की ट्रेनिंग में देते हैं, और रॉ मटेरियल भी और जो है टूल किट्स वगैरह जो है वो 8-10 हज़ार रुपये का मिलता है, जिसमें महिलाओं के अंदर आवश्यकता पैदा होती है जो है, और वो इस काम को लोग जो है मतलब बढ़ाने के लिए वो और इच्छुक हो जाती हैं जो है और करती हैं। और इस तरह जो है हमारा काम जो है ये बढ़ता जा रहा है और कुछ महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ती जा रही हैं, सरकार का लाभ उनका मिलना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से जो है उनको और भी जो है मतलब हौसला अफजाई हो रहा है लोगों का जो है, और काम भी अच्छा कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो है हमारे सरकार से जो है मतलब सहयोग मिलता रहे, जिससे और भी महिलाएं देश विदेश में भी जो है ये लोग मतलब ये जो पेंटिंग तैयार करती हैं उनको भेज। बिल्कुल शानदार कलाकृतियां आप जब यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा कुछ इन महिलाओं के हुनरमंद हाथों ने बनाया है। और एक पेंटिंग को बनाने में कम से कम हफ्ते दिन से लेकर के और महीने दिन तक लग जाते हैं, तब ये खूबसूरत पेंटिंग तैयार होती है। लेकिन जिस हिसाब से मेहनत होती है उस हिसाब से इसकी कीमत भी मिल जाती है। आप बताइए, इस पेंटिंग को जब आप लोग तैयार करते कितनी बारीकी इसमें होती है और कितना मेहनत लग जाए इस काम को करने में? मेरा नाम साकिता बेगम है और इस काम को हमारे हस्बैंड मोहम्मद यूनुस खान ने बहराइच में शुरू किया। इस वर्ग के जन्मदाता बने हैं मोहम्मद यूनुस खान, और ये पेंटिंग हमने अपने हस्बैंड से भी बनाना सीखा है। और इस पेंटिंग को कम छोटी पेंटिंग बनाने में कम से कम 2 दिन या मतलब काफ़ी छोटी है तो 1 दिन में एक पेंटिंग, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। वर्क बहुत इसका मतलब बारीक काम है, लड़कियाँ अच्छा वर्क करती हैं। पेंटिंग जो होती है उसकी मतलब जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हम लोगों को मिलता नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोगों ने तमाम जंगल में रहने वाले जो वनटांगिया समुदाय की महिलाएं हैं उनको भी आप लोगों ने ट्रेन किया है, शहर की जो महिलाएं ट्रेन हो रही हैं, कितना अगर कहें तो इसकी वजह से आप निर्भर हो पा रही हैं महिलाएं, और एक अच्छा उनको रोजगार के माध्यम सरकार द्वारा मिल पा रहा है? हमारी मौजूदा सरकार जो इस टाइम है उन्होंने जो ODOP की स्कीम बनाई है वो बहुत अच्छी स्कीम है। उस स्कीम के जरिए महिलाएं काफी जुड़ रही हैं, और हमने जो आदिवासी महिलाएं वो लोग बहुत शौक से सीख रही थी, और हम लोगों ने किसी भी महिला से आज तक फीस नहीं ली जब हम लोगों ने वर्क शुरू किया उस टाइम भी और आज भी। जब भी सिखाया है फ्री सिखाया है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये इस काम को जो भी करेगा हम लोगों का नाम, हमें लोगों का होना है कि मतलब इन सर से, उन सर से हम लोगों ने सीखा।
बिल्कुल, यही वजह है कि तमाम जो महिलाएं आज सीख रही हैं, तमाम बेटियां जो आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग कर रही हैं। आप इस काम को कब से कर रही हैं और कितना अगर कहें तो सरकार की इस योजना से जुड़ करके एक लाभ कमाया जा सकता है, इसकी वजह से परिवार चलाया जा सकता है। अच्छा, कहाँ कहाँ इसके खरीदार हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, पसंद करने के लिए? सर वैसे तो बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ एग्जीबिशन लगता है लखनऊ में और उद्योग केंद्र की तरफ से मेला लगता है, दिल्ली हाट में इसका एग्जीबिशन लगता है, बहुत दूर दूर से इसकी मांग है पेंटिंग की हमारी, और बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं इसे।